पीलीभीत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी गांवों में सर्वे तो की गई पर अभी भी कुछ पात्रों के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए, जिसके चलते गरीब पात्रों को पूरनपुर ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी के ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यह देखकर ऐसा लगता है कि सही तरीके से सर्वे नहीं की गई, जिसके चलते आज कुछ ग्रामीणों ने पूरनपुर ब्लॉक पर पहुंचकर खंड विकास अधिकारी को सूचना पत्र देकर जांच करवाने की बात कही है। सुमलता जी, ये बताइए, आज आप महिलाओं के साथ में यहाँ आई हुई हैं, लोगों की क्या समस्या है? इन्हें ना तो आवास मिले, ना इन्हें लैट्रिन मिली है किसी को, और ना ही कुछ मिल रहा है। और जो मिलने से पहले जो रोजगार सेवक हमारे सिमनगर के हैं, वो 2-2 हजार रुपए लेते हैं। किस बात के लेते हैं? ये जिनके झोपड़ी के फोटो खींचते गरीबों के, और न फिर उन्हीं जिन्हें 20 साल से मिलते आए हैं, उन्हीं तिमिंजले की तैयारी के लिए मड़ैया डराए रखी हैं, उन्हें दे रहे हैं। आज आप लोग कहाँ आए हुए हैं? पूरनपुर। पूरनपुर किस जगह, किस अधिकारी के पास आए हुए हैं? बीडीओ साहब के पास। बीडीओ साहब ऑफिस में है? नहीं है। आपने किसे दिया प्रार्थना पत्र? उन्हें दे दिया सीडीओ साहब। और आज आप लोग यहाँ पूरनपुर ब्लॉक में बीडीओ साहब को प्रार्थना पत्र देने आए हो, क्या है पूरा मामला, क्या है समस्या आप लोगों? कमरा नहीं, लैट्रिन नहीं है, कोई मतलब कुछ सोच रहा है, सुन जाओ, कोई सुनते भी नहीं, कहूँ जाओ। अच्छा, हाँ, तो इसलिए आए भाई इनके बजे तिर। आपने आवेदन किया था? और आप लोगों ने आवेदन किया था? भैया बताया तो जब मतलब लेके गए वहाँ तक, तहसील तक रेंज पर आ जाए सब कुछ। अच्छा, आपके गांव से कोई आपसे कोई पैसे वगैरह मांगता है आवाज या शौचालय? नहीं मांगता, मतलब जब कह रहे कि तुम लोगों को नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा बताना, क्यों नहीं बनाना है रहे? आप लोगों के घर कैसे हैं? टीन पर ही है। अच्छा, कच्ची दीवारें पक्की? ना, दीवारें पक्की हैं।